क्यों नहीं दिया है? ठीक है, सबसे ज्यादा डेवलप्ड माना जाता है, तो पहले इसका लाइफ साइकिल पढ़ें। इसमें एक हो गई मेल स्ट्रक्चर और एक हो गई फीमेल स्ट्रक्चर। Thank
कौन सा ये इसमें क्या है गैमेटोफाइट है ये फीमेल गैमेटोफाइट है मेल गैमेटोफाइट है एनसीडीएम इसमें कुछ नहीं करना है इसमें बस पहले ये बनाओ फिर आउटलाइन बनाओ तब बनेगा वो Thank you.
ठीक है, तो ये कंप्लीट इसका लाइफ साइकिल है। इसमें पैराफाइसेस वगैरह स्पेशल क्वालिटी जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, मेन है और मेन एक ही क्या है, एक ही प्लांट मॉड्यूल है जिसमें दो ब्रांचेस हैं। ठीक है ना, ये मेन। तो क्या होगा,
फीमेल ब्रांच की कंडीशन तो ये है, ये फीमेल शूट बोला जाता है, शूट उसे कहते हैं एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट विच कंटेन्स ब्रांचेस लीव्स एंड अदर पार्ट, ये एक्सेप्शन है, ठीक उनके अलावा जो भी होता है। तो इसमें ये तो हो गई फीमेल स्ट्रक्चर, ये यहां की जो एपिकल सेल हो गई, एपिकल सेल थोड़ा सा कुछ इधर पे जो ये सेल हो गए उनमें जो ठीक है। तो ये बनी आर्किगोनियम, और आर्किगोनियम की स्ट्रक्चर आपको पता है ये क्या होगी, इसमें नेक बनती है, नेक जो है नेक कैनाल सेल से बनती होगी और नीचे की तरफ क्या होगी पेटल सेल, पेटल एरिया होता है, पेटल एरिया में दो सेल होती है कैनाल सेल और नेक, ठीक है, चार और जेल क्लियर, सपोर्ट देने के लिए प्रोटेक्शन के लिए इसमें पेरियोडिक्स होती है, यहाँ भी है ये, लेकिन ये नहीं है, ये बीच बीच में एंथ्रीडियम के सेंटर में ना ये एसपीओ स्ट्रक्चर होती है, उसके बाद जैसे फर्टिलाइजेशन अब तक एंथोसेरोस में मालूम है हमने एंथोसेरोसिस में एंडोजेनस और मेटाजेनस में बहुत सारे जर्म उससे विकसित होगी, वाटर की एब्जॉर्ब की वजह से वो भी को सुन बना जाएगी और फिर उसकी तरह एंथोसेरोस में वो फैल एंटी करेगा और जायगोट बनेगा, जायगोट से वो स्पोर बनेगा, आपको पता है क्या है ब्रा फर्टिलाइजेशन वो स्पोर की प्रोटेक्शन से नहीं, ठीक है, वो स्पोर क्या करेगा मियोसिस करेगा, मियोसिस के थ्रू जो सेल्स है स्ट्रक्चर बन रही है वो कहाँ है, यहाँ यही तो है, बोलो आगे बोलेंगे। उसके बाद ये क्या बनेगा मियोसिस के बाद इसको, इसमें जो सेल्स बनी बीच में क्या होगी एक से कॉलुमेला होगी, ठीक है, किनारे पर जो सेल्स होंगे वो स्पोर मदर सेल, स्पोर मदर सेल पे पेटा माइग्रेटरी और पेटा से क्या होगी स्पोर, ठीक है, और स्पोर क्या करेगा पूरा का पूरा सेल्स बनेगा, ये जैसे एक बार हो गई ना तो अब जो प्लांट बनेगा वो कैसा होगा, गैमेटोफाइटिक या स्पोरोफाइटिक, क्यों होगा गैमेटोफाइटिक होता है नहीं, स्पोर से बना है कहीं मियोसिस के बाद जो और सबसे पहले
जो रॉक है ना उसे कैसे निकालो कॉन्फिगरेशन मैनुअल कर दिया आपने कैपिटल सर्विस कर दी अब वो क्या करनी है उसे सॉफ्ट कर दिया राउंड एंड सॉफ्ट कर दिया तो इसको क्रिएट करेंगे ठीक है तो ये सारे इंप्रूव करिए उसको देखा जा सकता है उसको बहुत आसानी से निकाल सकते हैं तो इसे इसके एग्जाम्पल जो होते हैं प्लेटोनिया और हसनिया हसनिया याद रखना हसनिया जो है उसे बोला जाता है एगियर ऑफ द पोल ठीक है जैसे सुना होगा आप ये तो वो भाई से लड़कर गए अच्छा एक बार कहीं लाइटिंग में मैं उसकी स्ट्रक्चर कैसी तरह से जाऊंगा या तो कैसा होगा इंटरसेलुलर पेनेट्रेशन होता है फिर जाएगा इसमें एलवी की सेल्स तो इसकी थैलेसिस करते हैं ठीक है थैलेसिस क्या अब अगर स्ट्रक्चर की बात करें Thank you.
देखो होम और है जिसमें एसी और फंगस के इकोसिस्टम एकदम अलग अलग है ना। तो होम मतलब क्या होता है रेजिस्टेंसी और रेटोरिया मतलब अलग अलग और आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये इधर है ये उधर देखो इसमें आप बता सकते हो किधर एलगी है किधर फंगस है। देखिए इसमें आप बता सकते हो ये एरिया एलगी का, ये एलगी का और ये फंगस की प्रेजेंट। ठीक है, फंगस की ये बॉडी को कैसे कहते हैं और सारे कहते हैं से वैसे ही। अब